जी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अलाइनर्स को आपने किस तरीके से उतारना चढ़ाना और उसको स्पेशली रिमूव किस तरीके से करना है। फर्स्ट अलाइनर ट्रीटमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। तो सिचुएशन ये होती है कि अलाइनर जिस मॉडल पे बना हुआ होता है डेट इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन ऑफ योर एक्चुअल टीथ। सो एट द टाइम ऑफ द इंसर्शन यू विल बी फीलिंग अ स्लाइट प्रेशर एट द टाइम ऑफ द इंसर्शन। वट यू विल बी फीलिंग कि आपके एक जगह से वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू कि आपने पहले पिस्टीरियर टीथ के ऊपर उसको सीट करवाना है एंड देन यू विल हैव टू मूव टू टूवर्ड द एंटीरियर टीथ कि उसको आप सीट करवाएंगे, क्योंकि वो पहले आपके ओरिजिनल टीथ की पोजीशन से स्लाइटली डिफरेंट है। तो यू विल बी फीलिंग स्लाइट टाइटनेस एट द टाइम ऑफ द इंसर्शन ऑफ योर फर्स्ट एक्टिव अलाइनस, और दिस टाइटनेस विल रिमेन फॉर 7 to 10 days एंड देन यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट अलाइनस। कैटेगरी की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ यू हैव टू रिमूव द अलाइनर, स्पेशली जब आपके अटैचमेंट्स लगी हुई हों। अलाइनर्स को रिमूव हमेशा दोनों साइडों से आपने अपने नेल को इंगेज करते हुए करना है, या आपको क्लिनिक की तरफ से स्पेशल अलाइनर रिमूवर भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसको आपने अलाइनर के अंदर हुक करना है और लॉक करना है। और अगर सामने के टीथ या पोस्टीरियर टीथ के ऊपर अटैचमेंट लगी हुई हैं तो आपका ज़्यादा फोकस उन अटैचमेंट एरियाज पे रहेगा कि अलाइनर्स को रिमूव करते हुए आप दोनों हाथों से और स्पेशली नेल्स के साथ आप उस एरिया से अलाइनर को डिफ्लेक्ट करेंगे बाहर की तरफ, ताकि वो अटैचमेंट एरिया से बाहर की तरफ आए, और फिर आप उसको जेंटली दोनों साइडों से रिमूव करना। बहुत कॉमन एरर जो आता है वो ये आता है कि एक साइड से उसको रिमूव करना, दैट मे कॉज अ स्लाइट ब्रेकेज ऑन द एरिया ऑफ द केनाइंस। दूसरी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर डाइट वाइल योर अलाइनर ट्रीटमेंट। तो जो चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है, दीज अलाइनर्स आर वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर, बिकॉज ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल से बने हुए होते हैं। और अगर आपने इस अलाइनर्स को पहने हुए अगर आपने चाय पी, स्पेशली हॉट कोई ड्रिंक लिया, तो ये डिफॉर्म हो जाएंगे, और यू आर वेरी स्ट्रांगली एडवाइज नॉट टू वेयर द डिफॉर्म्ड अलाइनर्स। आजकल जो है वो गर्मी ज़्यादा है, तो स्पेशली गाड़ी में या किसी ऐसी जगह पे आप उसको ना छोड़ें जिसकी वजह से वो डिफॉर्म्ड हो सके। और अगर आप कोई डिफॉर्मिटी या एक सडन चेंज महसूस करते हैं 4th-5th दिन आफ्टर ऑफ वेयरिंग द अलाइनर्स बिकॉज ऑफ द हीट डैमेज, तो आप अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें एंड यू नीड अ रिप्लेसमेंट अलाइनर फॉर दिस सिचुएशन। दूसरा आपने ये लेना है कि कोई फिजी ड्रिंक्स या कोई शुगरी जो ड्रिंक्स है वो वाइल वेयरिंग द अलाइनस दे रही, क्योंकि अलाइनस में बिकम अ प्लाक रिटेंटिव साइट, या उस जो आपने शुगरी ड्रिंक ली है उसका एक हार्बरिंग साइट और उसको रिटेन करने की जगह बन सकती है। अगर आपने अलाइनर लगे लगे कोई कोक स्प्राइट या कुछ इस तरीके से लिया और वो इसके अंदर हल्का हल्का इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो दिस विल कॉज अ सीरियस डैमेज ऑन दी आउटर लेयर ऑफ द टूथ, दैट इज द इनेमल, और उसको वो केरीज का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि अलाइनर्स को पहने हुए आपने कोई चीज़ खाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट अप्लाइंस है और आपके कोई हार्ड चीज़ बाइट करने की वजह से ये डैमेज हो सकता है।